मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और आज का ये जो प्रश्न है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र से प्रश्न लिया गया है और ये भाग तीसरा है। इसके पहले इस टॉपिक से 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो के प्रश्नों को हल कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न हर कला के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा कृषि। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, सभी को पता है, और इसी खाद्यान्नों के उत्पादन को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाया गया था। और नवपाषाण काल में ही जौ, गेहूं और अन्य किस्म की खेती आरंभ हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण जो हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। देखिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना हुआ है और दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए हैं। तो जो स्तूप है वो कुषाण काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरासे एवं चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तरासे एवं चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मनुष्य जो है पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगा था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा नवपाषाण काल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो निश्चित ही मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो हुआ था वो सिंधु सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सिंधु सभ्यता में हुआ था, क्योंकि वहाँ के उत्खनन से प्राप्त होता है कि मिट्टी के बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे बर्तन प्राप्त हुए थे और वो जो मृदभांड थे मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के बने हुए थे। कुछ को तो लाल रंग से पोत कर काली रंगों के स्याही उस पर चढ़ा दी गई थी या काले रंगों से रेखाओं से चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सिंधु सभ्यता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौ पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? चार विकल्प है, जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा, बस्तियों में। तो नौ पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में रहना प्रारंभ किया था नौ पाषाण काल में, क्योंकि नौ पाषाण युग से ही वो अन्न उत्पादक और अर्थव्यवस्था उसकी प्रारंभ हो चुकी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो कौन सा इन तीनों से अलग है चार विकल्पों में से? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, काटाल हुयुग, ये अलग है। क्यों अलग है इसको समझते हैं। क्योंकि इन जो तीन हैं विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों उत्तर पाषाणकालीन गुफाओं से संबंधित स्थल हैं। उत्तर पाषाणकालीन गुफाओं से संबंधित स्थल हैं ये तीनों। और जो काटाल हुयुक है वो नौ पाषाणकालीन एक बड़ा नगर था, इन नौ पाषाणकालीन एक बड़ा नगर था, ठीक है, इसलिए अलग है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिगरिया गुफा जो कि श्रीलंका में है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के जो चित्र अंकित हैं वो 21 हैं। ऑप्शन सी सही होगा।
यहाँ कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। पहले कच्छ की आकृतियाँ मानव आकार से बड़ी और तथा दूसरे कच्छ की आकृतियाँ जो थी वो छोटी थी। ठीक। अच्छा, सीगरिया गुफा में जो है वो लाल, पीले और हरे केवल 3 रंगों का ही प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीगरिया गुफा में लाल, पीला और हरा केवल 3 ही रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ नीले रंग का प्रयोग एकदम दिखाई नहीं देता। और सीगरिया गुफा के चित्र राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट था इफेक्ट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा कि सीगरिया गुफा जो है उसके जो चित्र हैं वो राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। सीगरिया कहाँ पर है? तो सीगरिया की गुफा आपका श्रीलंका में है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? देखिए, इसमें 4 विकल्प दिया गया और क्या है पूछा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन बी सही होगा। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है और वहाँ पर आप महाराष्ट्र में अजंता की गुफा देखे होंगे। तो जैसे कि अजंता की बात करें तो अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। ठीक, तो पाषाण काल से ही मानव गुफा में चित्रण कार्य करना शुरू किया था। तो यहाँ पर भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र पूछा जा रहा है तो यहाँ महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलिका तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ कोहवर है, तो कोहवर कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है, इसको मिर्ज़ापुर से मिलाते हैं। चलिए, इसके बाद काबड़ा पहाड़ है, काबड़ा पहाड़ कहाँ पर है? रायगढ़ में स्थित है, इसको दूसरे से मिलाते हैं। अगला है आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद में है। और चक्रधरपुर आपका कहाँ है? झारखंड में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए साढ़ किस कला में पाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए साढ़ किस कला में पाया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा असीरिया। तो असीरिया कला का केंद्र राजभवन था और राजकीय आवासों की ऊंची दीवारों तथा छोरों आदि को अनेक प्रकार से अलंकृत किया गया था। और यहाँ पर ही मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का दृश्य मिला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहीं पर हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।